आज हमारे पास जो विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, खनिज साधन विभाग, जनसंपर्क विभाग, पुनर्वास विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, विमानन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, तो इस विभाग के ऊपर में चर्चा थी और जो पास करना था तो करीब 18 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास मोहन जी भी शामिल हुए, पूर्व स्पीकर धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए, अजय चंद्राकर जी भी शामिल हुए। इस तरह से बड़ी अच्छी चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कुल मिला के 8,221,75,00,000 रूपये का यह अनुदान मांग सर्वसम्मति से पारित हुआ। जी हाँ, एक तो इमरजेंसी के समय जितने जो गैर कांग्रेसी लीडर थे सब को जेल हो गया था, 19-19 महीना तक जेल में रहे, जिसके कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। किसी किसी परिवार में तो मतलब खाने के लिए लाले पड़ गए, ऐसे कई परिवार को हम जानते हैं। और जब हम लोग की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो उनको एक सम्मान निधि मतलब देने का प्रारंभ किए थे, जो पिछली सरकार में बंद हो गई थी वो राशि, उसको फिर से अब उनको देंगे, चालू करेंगे। अब ये सब तो कांग्रेस की संस्कृति ही है, भ्रष्टाचार करना, जमीन किसी का हड़पना, ये सब उनकी संस्कृति में है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ है ना, हाँ एमएलए कॉलोनी में, एमएलए कॉलोनी में, हाँ हाँ हाँ। और कुछ अधिकारी और बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, ईओडब्ल्यू ने रेड किया है और एक कही जा रही है कि एक और भी जांच, एक और एफआईआर होना है। अब ईओडब्ल्यू एसीबी सब अपना काम करते रहते हैं, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।